तो अगर आपको लगता है कि अरे लड़के थोड़ी ना रोते हैं भाई, तो यहां हमने सोचा था कि जाएंगे, मूवी देखेंगे, खाना खाएंगे, खुशी खुशी वापस आएंगे, लेकिन जो सोचते हैं वो होता कहाँ है। हमने मूवी के टिकट्स बुक कर ली हैं और अभी कैब आने वाली है। हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और भाई ने बुक कर लिए। नहीं नहीं वो एक्सक्यूज का फोन आ चुका है, अभी इनका फोन भी आ चुका है और अब हम जा रहे हैं। थैंक यू। ओके एंजॉय करना ठीक है, और मेरे लिए चीज लेके आना और बताना कि क्या मूवी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। सेम सीन होता है हर बार मूवी के टाइम पे, तो हर बार ये सोचते हैं कि शुरू नहीं होनी चाहिए। हमारा 11 बजे का शो है। ऑनलाइन पेमेंट में दिक्कत आ रही है, ऑलवेज ब्रिंग कैश। एंट्री कहाँ से है भाई, पता ही नहीं चल रहा है। ये भी नहीं, हाँ पीछे भी नहीं। अच्छा यही है, नहीं पूछ रहे हैं। अच्छा यही सर, थैंक यू। मैं लेट हो जाऊंगा वीडियो के चक्कर में। ऐसे करना होता है भाई साहब, दुकानें ही दुकानें हैं, पता ही नहीं चल रहा। पूछ रहे हैं, पूछ रहे हैं। अरे यार वो रहा देखो, वो लिखा हुआ, सी दैट दैट इज पीवीआर। द शो विल स्टार्ट एट एग्जैक्ट 11 AM, तो इन्होंने कहा कि आप वेट करिए। काश यहाँ पे मूवी चल जाती। ओहो, लेकिन नहीं। अभी इसको बंद करके मूवी देख लेते हैं, उसके बाद बताते हैं कैसे लगे। सैड न्यूज इज हम बड़ा वाला पॉपकॉर्न नहीं लेने वाले। हमारी जिंदगी के 2 दिन बहुत खास होते हैं। नमस्कार एवरीवन, एंटरटेनमेंट होस्ट आई एम पीवीआर सिनेमा इज सेफ फॉर यू एंड योर फैमिली। ऑडिटोरियम इज रेगुलरली सैनिटाइज्ड, ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड विद एंटी माइक्रोबियल फिल्म। आवर फूड पैकेजिंग गोस स्टरिलाइजेशन बिफोर सर्विंग टू यू। स्टाफ इज मेडिकली सर्टिफाइड, फुली वैक्सीनेटेड। दैट वी हैव इंस्टॉल्ड UFO एयर प्यूरीफायर इन द ऑडिटोरियम। एनी काइंड ऑफ सजेशन और फीडबैक कांटेक्ट मी और माय टीम। एंजॉय योर शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नहीं चलाएंगे भाई, ये नहीं चलाएंगे। 15 मिनट हो चुके हैं लेकिन ये शो चला नहीं रहे हैं। आई होप ये जल्दी शुरू हो, शायद अब हो जाए। नहीं भाई साहब नहीं, मिस्ट्री का पैसे कटने चाहिए। आई होप अब शुरू हो जाए, चला दो। हाँ हाँ हो रही है। अच्छा यहाँ पे भी मूवी अब तक की बहुत अच्छी लग रही है भाई। आफ्टर इंटरमिशन आई एम गोइंग बैक। क्या कुछ आने का मिल सकता है क्या? सो मुझे आपसे एक बात करनी है। ये है कि खाना घर से खा के आना भाई। हम भी सोच के आए थे कि जब मूवी एंड होगी तब खाना खा लेंगे, लेकिन जब मूवी एंड होती है तो मूड ऐसा हो जाता है, आपका मन नहीं करेगा यहाँ पे खाना खाने का। इंटरवल में खा लेंगे, उसमें क्या दिक्कत है वो मैं एंड में बताऊँगा। वी आर गोइंग होम, हम कैब में आए थे और अभी हम मेट्रो में जा रहे हैं, और मूवी का रिव्यू मैं आपको घर जाके देता हूँ। मेट्रो कार्ड नहीं लेके आया तो तुम भी नहीं लेके आए, तो अगेन कैब से ही जा रहे हैं वापस घर। ये कैब ना आ रही थी ना कैंसिल हो रहा था, अब बड़ी मुश्किल से कैंसिल हुआ है भाई। ऑटो आ रहा है, कैब आई नहीं, पता नहीं क्यों बार बार वो कंफर्म ही नहीं कर रहा था। इस बार ऑटो ट्राई किया तो ऑटो आ रहा है। तो जब तक हमारी ऑटो आती है मैं आपसे एक बात बताता हूँ। मान लीजिए आप ड्राइव करके आते हैं और मूवी एंड होती है तो एकदम से घर की तरफ मत चल पड़ना। जब आप बाहर निकलोगे ना तो आपका हार्ट बहुत हैवी रहेगा, मतलब फुल ऑफ इमोशंस, तो थोड़ा टाइम लेके और फिर घर जाना। मैं चाहता हूँ कि कुछ बुरा ना हो। हाय, सो नाउ माय थॉट्स ऑन दिस मूवी। देखो भाई, जब हम वापस आ रहे थे ना तो मेरे भाई ने मुझसे बताया कि ये कोई मूवी नहीं है, क्योंकि जितने भी सीन्स, जितने भी डायलॉग, जो जो भी इस मूवी में हुआ है ना, वो लोगों ने अपनी आप बीती में बताया है। लास्ट में थिएटर में बैठे बैठे लोग रो रहे थे, इंक्लूडिंग मी। होता है
ऐसा माहौल था कि आपको या तो मूवी की वॉइस सुनेगी, जब वहां पे साइलेंस होगा तो लोगों के रोने की आवाज सुनेगी। इससे पहले मैंने लास्ट मूवी देखी थी 3 साल पहले, एवेंजर्स एंड गेम। मेरा ये मूवी देखने का भी कोई विचार नहीं था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। अब ये आपको देखना है कि आपका लेवल ऑफ इंटरेस्ट कितना है। मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, मतलब आज की कहानी। इंटरवल हुआ, हम बाहर गए, वापिस आए, मूवी स्टार्ट हो गई, लेकिन हमसे जो साइड में बैठे थे ना, वो लगभग 1 या 2 मिनट के बाद वापिस आए। वो आया, उसने आते ही कहा, एक्सक्यूज मी भाई, क्या हुआ? मतलब इस बीच क्या हुआ, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? सो दैट इज द लेवल ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि आज तक मैंने किसी को थिएटर में ये पूछते हुए नहीं सुना है कि भाई बताओ ना इस बीच क्या हुआ। तो आई थिंक आपका जवाब मिल गया है कि आपको देखनी चाहिए या नहीं। तो बस ये थे मेरे थॉट्स अबाउट द मूवी। वो बात जो मुझे लास्ट में बतानी थी वो ये थी कि आप खाना घर से खा के जाना, क्योंकि जब मूवी खत्म होगी तो आपका मन नहीं करेगा खाने को, क्योंकि इतना इमोशनल हो जाओगे। अब आप कहोगे कि मैं इंटरवल में खा लूंगा, तो देखो भाई, सपोज करो कि इंटरवल हुआ है, आप बाहर जाते हो, आप वापस आते हो, आपके एक हाथ में बड़ा सा पॉपकॉर्न है, एक हाथ में पेप्सी है, ठीक है। आप बैठते हो और उसी टाइम पे एक सीन आता है जहां लोग भूख से मर रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं है, सुपर इमोशनल सीन। और उस वक्त आप इस तरह से बैठे हो और आपने स्ट्रा ऐसे लगा रखी है और आप कुरकुरे निकाल के चर चर की आवाज़ निकाल रहे हो, तो उस वक्त आपकी जो पोजिशन होगी और जो सीन आएगा वो सिनेरियो बिल्कुल भी मैच नहीं करेंगे। तो हो सकता है आपको बुरा लगे, हो सकता है आपको ज़्यादा अच्छा ना लगे, दोनों में फ़र्क है। वो डिपेंड करता है कि आपका लेवल ऑफ इमोशंस कितना है मूवी को देखते हुए। तो मे बी इट्स जस्ट मी, सिर्फ मेरे थॉट्स हों, बट जो है वो है। लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच, एंड चैनल सब्सक्राइब करके जाना।